दोस्तों आज का टॉपिक है कि जब हम आरओ प्रेशर टैंक के साथ प्योरीफायर अटैच करते हैं, आरओ अटैच करते हैं, तो उसके लिए एलपीएस की पोजीशन क्या है, कैसे उसकी वायरिंग करनी है, पाइपिंग करनी है, इसके अलावा यूवी सिस्टम को किस पोजीशन पे अटैच करना है, क्या एनआरवी से पहले और मेम्ब्रेन के बाद करना है या एनआरवी के बाद करना है। तो दोस्तों अगर आप प्रिपेयर हो, डीलर हो, तो चैनल सब्सक्राइब करें और साथ में अपना नंबर 0 व्हाट्सअप करें। दोस्तों हिमगार्ड आरओ स्केल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रेशर टैंक जो आरओ के साथ हम कनेक्ट करते हैं स्टोरेज के लिए अंडर सिंक किचन में, उसकी पाइपिंग, उसके कनेक्शंस कैसे करते हैं। तो सब फिल्टर के इनपुट पे हम देते हैं रॉ वाटर, जिसको हमने प्योरीफाई करना है। सबसे पहले हमें लगाना है लो प्रेशर स्विच। तो दोस्तों लो प्रेशर स्विच जो हमने लगाया है, वो लगाया है हमने एसी सप्लाई, जो मेन सप्लाई दे रहे हैं एसएमपीएस को, उसकी सीरीज़ में, और इसी की सीरीज़ में लो प्रेशर स्विच की हमने दूसरी तरफ हाई प्रेशर स्विच लगाया है। पहली कंडीशन है कि अगर पानी प्रॉपर फ्लो पर आ रहा है, जितना प्रेशर हमें चाहिए आरओ ऑपरेट करने के लिए, तो ये लो प्रेशर स्विच नॉर्मली ओपन से क्लोज हो जाएगा और हमारा बिजली जो एसएमपीएस है वो ऑन हो जाएगी। और जैसे ही ऑन होती है तो सेडिमेंट फिल्टर, कार्बन फिल्टर की आउटपुट पे एसवी से होते हुआ पानी पंप को जाएगा, इसके इनपुट पे यहाँ से पानी बूस्ट अप होकर, बूस्ट अप का मतलब है कि यहाँ तकरीबन 30 पाउंड स्क्वायर इंच प्रेशर होता है और आउटपुट पे इसके होता है 80 पाउंड स्क्वायर इंच के अराउंड प्रेशर। तो यह गया हमारी मेम्ब्रेन को इस पाइप के थ्रू, और इसकी आउटपुट हमने एनआरवी के थ्रू और हाई प्रेशर के स्विच के थ्रू हमने दी है प्रेशर टैंक को। अब जैसे ही प्रेशर टैंक पूरा भर जाएगा पानी से, जो 4 गैलन इसकी स्टोरेज कैपेसिटी है, तो यहाँ बैक प्रेशर से जो हाई प्रेशर स्विच है ये टर्न ऑफ हो जाएगा, मतलब इसके कॉन्टैक्ट्स जो हैं वो ब्रेक हो जाएंगे और हमारा बिजली की जो सप्लाई है एसएमपीएस को बंद कर देगी और आरओ सिस्टम बंद हो जाएगा। अब दोस्तों क्वेश्चन ये आ रहा कि हम यूवी सिस्टम कहाँ लगाएं। अगर हम पहले लगाते हैं, मतलब मेम्ब्रेन की आउटपुट पर लगाते हैं और एनआरवी से पहले लगाते हैं, तो बैक प्रेशर की वजह से 90% जो केसेस में यूवी लीकेज की प्रॉब्लम रहती है। और अगर हम इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, तो फिर हमें क्या करना है कि सबसे पहले प्रेशर टैंक हमारा जब फुल हो जाए, तो हमने इसकी आउटपुट पर जो ये पाइप जा रही है एक फ्लो कंट्रोलर लगाना है, और इसकी आउटपुट पे हमने यूवी सिस्टम लगाना है जो 24 वोल्ट पे ऑपरेट कर रहा है। दोस्तों जैसे ही हमारा प्रेशर टैंक पूरा भर जाता है तो सप्लाई ऑफ हो जाती है। तो इस तरह से ये ऑटोमेटिक सिस्टम बनाया हुआ, लेकिन हमने जो यूवी सिस्टम है उसको हमने प्रेशर टैंक के आउटपुट पर लगाना है, ना कि इनपुट पर लगाना है। ये ख्याल रखना है कि यूवी जो है मेम्ब्रेन के आगे नहीं लगानी है, पहले हमने मेम्ब्रेन की आउटपुट देनी है प्रेशर टैंक को, और प्रेशर टैंक की आउटपुट जो जा रही है प्योर पानी की, वो हमने यूवी को देनी है। ये दोस्तों जब भी आपने पानी यूज़ करना है सिस्टम को ऑन कीजिए, और जैसे ही आप ऑन करते हैं तो अब ये प्रेशर टैंक जो है ये भर गया है, अब हमने पानी यूज़ करना है, तो इसका जो हमने फ्लो कंट्रोलर स्विच लगाया है इसको ऑन करेंगे, जितना पानी ज़रूरत है वो यहाँ से हमें प्योर वाटर मिलना शुरू हो गया, और यहाँ हमारा साथ ही साथ ये वाटर डिसइंफेक्ट भी हो रहा है। बस आपने ख्याल ये रखना है कि यूवी के जो कनेक्शंस है वो एनआरवी से पहले नहीं करने हैं। जो आरओ मेम्ब्रेन की आउटपुट से हमें प्योर वाटर मिल रहा है, वहाँ हमने एनआरवी लगाना है, एनआरवी के आगे हमने हाई प्रेशर स्विच, और हाई प्रेशर स्विच की जो आउटपुट है एक तरफ जा रही है प्रेशर टैंक को, और सेकंड जा रही है फ्लो कंट्रोलर के थ्रू होती हुई यूवी सिस्टम को। पहले हमने, अब देखिए ये यूवी ऑफ हो गई है क्योंकि यूज़ में नहीं है, जैसे ही अब हम यूज़ करेंगे तो साथ ही साथ ये ऑन हो जाएगी। तो आपने ये फाइनल में यूवी सिस्टम लगाना है, बंद करते हैं इसको, जैसे ही बंद करते हैं यहाँ से यूवी ट्यूब भी ऑफ हो जाती है, ऑन कीजिए, ये देखिए अब जैसे ही ऑन करते हैं तो साथ के साथ यूवी भी काम करने लगती है। तो उम्मीद दोस्तों और भी यूज़फुल वीडियोस देखने के लिए वाटर फिल्टर के रिलेटेड चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू।